एमपी तक एमपी का नंबर वन यूट्यूब चैनल। इस घर में अभी कुछ दिन पहले ही बेटी की शादी हुई है। काफी धूमधाम से बेटी इस घर से विदा भी हुई, लेकिन रास्ते में ही वो गायब हो गई। घर वाले परेशान, ससुराल वाले भी परेशान। थक हार कर लड़की के पिता थाने पहुंचे और बेटी के गायब होने की सूचना दी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में मोड़ तब आ गया जब लड़की 15 दिसंबर को एसडीएम कोर्ट में पहुंच गई और उसके साथ एक लड़का भी था। लड़की ने बयान दिया कि वो बालिग है और अपने प्रेमी के साथ गई थी। यही है कि जैसे यहाँ शादीशुदा भाई बेसबत और यहाँ से विदाई की गई और विदाई करके आदमी हो गया अपने अपने घर में। ये सोच लिया कि विदाई हो गई चले जाएंगे अपना, जैसा सिस्टम होता है। और यही एक बगीचा पड़ता है, बगीचे का पासपोर्ट भी है, वहीं से पासपोर्ट मिल गई। उसने शायद कुल्हाड़ बुलाई दिखाया उनको, बरात वालों को गाड़ी रुकवाया। और बाहरी आदमी हो तो किसी को जानते नहीं तो रोक दिए होंगे। हालांकि उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन ऑब्जेक्शन से वो कुल्हाड़ी लिया था, कुल्हाड़ी दिखा के और उनको हड़काया, गाली गलौज किया और उस लड़की का हाथ पकड़ के ले गया। बताया जा रहा है कि इस लड़की की शादी 13 दिसंबर को बांदा के एक शख्स से हुई। शादी के बाद अगले दिन विदाई भी तय समय पर ही हुई, लेकिन जिस वक्त दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर जा रहा था, उसी वक्त रास्ते में एक युवक बाइक से पहुंचा और दुल्हन कार से उतरकर बाइक पर बैठी। दूल्हा कुछ समझ पाता तब तक वो वहां से 9:00-11:00 हो गई, जिसके बाद दूल्हे ने इसकी सूचना दुल्हन के घर वालों को दी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन ये घटना इस इलाके में चर्चा का विषय जरूर बन गई है। सतना से योगी तारा की रिपोर्ट, एमपी तक।